पेरेंट्स अभी धीरे धीरे आ रहे हैं और सभी मुझे मैसेज से विश कर रहे हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा अच्छा थैंक यू। कैसा लगा आंटी? बहुत अच्छा है। हमारे साथ जा रही है सुदीपा, हेलो बोलो, एंड रुचि। गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू अवर चैनल देविका एंड बारबी ब्लॉग। मैं देविका दिमापुर नागालैंड से लेके आई हूँ और एक न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो। आज है मदर्स डे, आज बहुत ही स्पेशल डे है और हैप्पी मदर्स डे ऑल ब्यूटिफुल मदर्स। एंड आप लोग भी जल्दी से जल्दी अपने मम्मी को विश कीजिए। बारबी ने ऑलरेडी मुझे कल रात को एग्जैक्ट 12 में विश कर दिया और मुझे गिफ्ट भी मिल गया। ये देखिए गिफ्ट, मेरा फेवरेट लिपस्टिक ये मुझे मिल गया। थैंक यू सो मच बारबी। और बारबी ने मेरी दीदी को भी ऑलरेडी गिफ्ट दे दिया, अभी अभी दिया है क्योंकि दीदी अभी आई है। बहुत ही अच्छी है दीदी। दीदी के लिए बारबी ने एक नेकलेस सेट खरीदा और एक कुर्ती भी लिया, तो बहुत ही अच्छा लगा दीदी को भी। एंड आप लोगों ने अभी तक भी अगर मम्मी को विश नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कॉल लगाइए, उनको विश कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप लोगों के सामने ही है मम्मी तो लाइव विश कर दीजिए। तो आज बहुत ही स्पेशल डे है, मदर्स डे भी है और ड्राइंग एग्जाम भी है, ईयरली जो एग्जाम होता है। तो मेरा दो आर्ट इंस्टीट्यूट है, एक आर्ट इंस्टीट्यूट का आज एग्जाम है, वो भी लिविंगस्टोन स्कूल में। वो स्कूल बहुत ही ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल स्कूल है, तो मैं दिखाऊंगी। और आई होप सब कुछ ठीक ठाक जाए, एग्जाम सब कुछ मतलब स्मूथली हो जाए। आज मैंने मॉर्निंग से ही ये ब्लॉग स्टार्ट किया, अभी अभी मैं नहा के आई हूँ बारबी भी, और हम लोग पहने वाले हैं सेम टू सेम कलर का आउटफिट, ये देखिए वायलेट वायलेट। तो अभी रेडी हो जाएंगे तो बहुत ही मजा आने वाला है। और जो जिन लोगों ने भी अभी तक भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। आज का ब्लॉग बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, बिना स्किप किए फुल वीडियो देखिएगा और मैं बिना टाइम गवाए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो अभी रेडी हो गए हम लोग, मैं तो फुल रेडी हूँ और बारबी हो रही है। और बारबी ने ये नहीं पहनी, उसको अच्छा नहीं लग रहा इसलिए उसने चेंज कर दिया, ट्रांजेक्शन किया, बट एक का चेंज हो गया, मेरा तो सेम ही है। और मैं कुछ आप लोगों को दिखाने वाली हूँ अभी, रुकिए। ये रुचि है और ये मेरा एक स्टूडेंट है, तो हमारे साथ जाएगी वो, हमारे साथ जाएगी वो, न्यू स्टूडेंट है, वो एग्जाम नहीं देगी बट मेरे साथ रहेगी आज वो। और रुचि तो एग्जाम देने के लिए आई है और यहाँ पे नहीं, मतलब मेरे साथ जाएगी। और रुचि का एग्जाम फाइल दिखाओ रुचि, ये देखिए रुचि का एग्जाम फाइल भी रेडी है, बहुत अच्छे से डेकोरेट किया। तो अभी जाएंगे और दीदी ने बहुत टेस्टी बनाया है रोटी उटी सब कुछ, अभी दीदी साग बनाने के लिए रेडी कर रही है। दीदी बहुत ही अच्छी है। हैप्पी मदर्स डे दीदी। हैप्पी मदर्स डे। बारबी ने मुझे गिफ्ट भी दिया है मदर डे की, बहुत बहुत सुंदर। आप दिखा रहा है आपको तो देना ही था ना, आपको तो देना ही था ना, कितना सुंदर कुछ। आपको अच्छा लगा वो? मुझे बहुत अच्छा लगा दीदिया। आपको अच्छा लगा वो? बहुत अच्छा लगा, मुझे सम्मान दिया क्योंकि बारबी के पीछे वो ही हमारे बारबी का पूरा देखती है, मुझसे ज्यादा तो उनके साथ रहती है ना, तो मॉम हाफ मॉम तो वो ही हुई ना, इसलिए तो थैंक यू सो मच इतना केयर करने के लिए बारबी को। अरे बहुत प्यारी है, थैंक यू। तो अभी हम लोग खा के निकल जाएंगे। को एक पोर्ट्रेट गिफ्ट किया मदर्स डे के ओकेशन पे, आंटी बहुत खुश हुई थी। ओ अच्छा अच्छा थैंक यू। कैसा लगा आंटी? बहुत अच्छा है। आप बस गिफ्ट जाओ आंटी के लिए हाथ करो। आंटी को सुनने को नहीं यार, इनको सुनने से ना ठीक
कैमरा ऑन करती है वो लोग सीधा देखने लग जाता है। श्रुतिपा भी आ गई, आज बहुत बड़ी लड़की लग रही है। ऐसे तो श्रुतिपा क्लास 6 में है ना? कौन सी क्लास में हो? 7। क्लास 7, ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है ना? अभी हीरो आ रहा है, हीरो देखिए, हीरो एंट्री। ओ, नेहा को बुलाना है। हमारे साथ जा रही है श्रुतिपा, हेलो बोलो, एंड रुचि, एंड न्यू एडमिशन किया है, उसका नाम मैं बार बार भूल जाती हूँ, रुके मैं याद करती हूँ बट याद नहीं आ रहा है। तुम बोल दो नाम। तृप्ति। यस, अभी से याद रह जाएगा। तृप्ति और यह नेहा या चुलबुली। तो हमारे साथ जा रही है आज, और शुभम आ रहा है। शुभम उसके फ्रेंड्स के साथ आएगा, तो इसलिए, और उस तरफ से सपना भी आएगी उसके फ्रेंड्स के साथ, और इनकम सनला को भी लेके आएगी। यह है लिविंगस्टोन कॉलेज, स्कूल में एग्जाम होगा, हम लोग अभी पहुंचने ही वाले हैं। पहुंच ही गए। यह है लिविंगस्टोन स्कूल, से जॉब करते हैं। 10 years? हाँ, 19। 20 years पहले ज्वाइन किया था इस स्कूल में। स्कूल में ही जॉब करता है वो। सभी आ चुके हैं यहाँ पे, सभी नहीं, कुछ कुछ ही आए हैं, सभी आने वाला है अभी। बारहवीं पूरा ब्लैक 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 क्वीन बन के आई है। परिणीता भलो आसो कि नहीं आई? एग्जाम है कलर उलर है अभी ऐसे तुम कलर उलर इंटरव्यू नहीं आई से मार्क्स कैन लगाई सो करू ना। पेरेंट्स अभी धीरे धीरे आ रहे हैं, और सभी मुझे मैडम से विश कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे होने वाला है एग्जाम, देखते हैं। क्लासरूम बहुत ही सुंदर है, पेरेंट्स ऑलमोस्ट ज़्यादा तो नहीं आया अभी तक क्योंकि टाइम नहीं हुआ। साथ फोटो भी क्लिक किया, बहुत अच्छा लगा। वो पार्ट में वीडियो नहीं ले पाई थी, एग्जाम अभी चल रहा है। जूनियर स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम ओवर हो गया था, तो मैं देख रही थी कि पेरेंट्स सभी लेने आया है कि नहीं, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई अकेला ना जाए। ऐसे तो सब मेरा सीनियर स्टूडेंट्स नीचे है ही उन लोगों को गाइड करने के लिए, और यहाँ पे मुझे दिखा मेरा एक बहुत ही क्यूट स्टूडेंट अमायरा, जो उसके माँ के साथ बैठी हुई थी। बहुत ही क्यूट है, बहुत अच्छी लगती है वो। जब एब्सेंट होती है तो मुझे बहुत खाली खाली सा महसूस होता है। अभी ये देखिए निहारिका है, निहारिका मुझसे बात कर रही थी, उसका ये लास्ट क्लास था, बिकॉज वो शिफ्ट हो रही है डिमापुर से लामडिंग। ऑलरेडी हो गई थी एग्ज़ाम देने के लिए आई थी वो, मुझे बहुत दुख हो रहा था। उसको बोला अगर हो सके ट्राई करना तुम आने के लिए, क्लास लेने के लिए, बिकॉज़ उसका कुछ ही ईयर बाकी है। तो उसने बोला हाँ मैं ज़रूर ट्राई करूँगी।
और मैंने बोला मैं कॉल करके रात को तुमसे बात करूँगी। तो यहाँ पे ये देखिए रिया विनय को ढूंढ रही थी, उसका भाई है विनय। तो ये सभी स्टूडेंट्स जा रहा था बाय बाय बोल के। सभी का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा हुआ था, बहुत ही अच्छे तरीके से सभी ने ड्राइंग किया, मैंने जाके देखा था और जजेस ने भी बहुत अच्छा फीडबैक दिया। तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, सभी बाय बोल के जा रहा था। और रितिका भी है, देखिए अमेरा जा रही है तब। और स्कूल बहुत ही खूबसूरत है, आप लोगों ने देखा होगा, जितना तक भी मैंने दिखाया उतना तक ही, क्योंकि फुल वीडियो फुल तो स्कूल मैंने टूर नहीं किया था उस दिन। पहले भी मैंने किया था, मैंने बोला है पहले भी आई थी, बट उस दिन मुझे टाइम नहीं मिला था बिकॉज़ जो जजेस आया था, एग्जामिनर आया था, तो उन लोगों को मेरे घर में लेके जाके उन लोगों को लंच के लिए भी मैंने इन्वाइट किया था, तो लेके जाना भी था। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ही मैं लेके गई थी उन लोगों को। तो नेक्स्ट टाइम एग्ज़ाम होने पर आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी फुल स्कूल टूर, और मिडिल में भी अगर चांस मिलेगा तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। बहुत ही ब्यूटीफुल स्कूल है ये, इसका इस स्कूल का नाम है लिविंगस्टोन इंटरनेशनल स्कूल। मेरा हस्बैंड है, बहुत ही बिजी है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, शुभम भी बहुत सपोर्ट किया। देखिए शुभम बहुत बिजी है, बहुत काम किया शुभम ने। सपना, शुभम जो मेरा सीनियर स्टूडेंट है, ये देखिए यहाँ पे सुदीपा है, ये और एक मेरा न्यू स्टूडेंट है तृप्ति, नेहा, तो सभी ने बहुत हेल्प किया। उसके बाद हम लोग घर पे आ गए थे, तो ये एग्जामिनर से बात किया और उन लोगों ने भी लंच वंच किया। उसके बाद उन लोगों का ट्रेन था 4 बजे, तो वो लोग तभी जाने वाला था। तो बहुत अच्छा लगा उन लोगों से बात करके, बहुत अच्छा लगा। तब जाने वाले थे तो मेरा हस्बैंड ही उन लोगों को ड्रॉप किया स्टेशन तक, तो बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा गया आर्ट एग्ज़ाम। ईयर में एक ही बार होता है, उस दिन बहुत गर्मी था, तब तक दोपहर 3:30 बज गया था, तो मैंने तब तो लंच नहीं किया था, उसके बाद मैंने लंच किया। आज रुचि को मैंने जाने ही नहीं दिया, एग्जाम तो हमारे साथ, आप लोगों ने देखा था मॉर्निंग में हम लोगों के साथ गया था, तो आने के टाइम में भी हमारे साथ ही आया था, तो उसका अंकल लेने के लिए आया था, बट मैंने जाने नहीं दिया, तो हमारी गाड़ी रुक गई। तो अभी हम लोग दोपहर में उसने लंच कर लिया, अभी हम लोग मिल के कुछ स्नैक्स वगैरह खाएंगे। अभी तो 6 बजने वाला है, हमने सारा शाम मतलब 4 बजे से 6 बजे तक हॉरर स्टोरी देखा, बट कुछ भी अच्छा नहीं मिला। सर्च करते करते 2 घंटा चला गया। बट मज़ा आया, अभी हम लोग लूडो खेलने वाले हैं। हम लोग अभी खेल रहे हैं लूडो, बहुत एंजॉय कर रहे हैं रुचि में और बार्बी। और बार्बी का चेहरा देख के आप लोग समझ ही गए होंगे ये हारने वाली है। और रुचि सबको खा रही है और मैं भी थोड़ा ठीक ठाक खेल रही हूँ, बट रुचि बहुत अच्छा खेल रही है, वह बार बार निकल जो भी निकलता है खा लेती है, बहुत रुचि है शायद इसको भूख लगी। तो एक बार सामने आके गेम देख के जाइए आप लोग, जो लोग लूडो खेलना बहुत पसंद करते हैं, आप लोगों के फोन में लूडो नहीं है तो लूडो डाउनलोड करके जल्दी से जल्दी हम लोगों की तरह खेलना स्टार्ट कीजिए। हम लोग जब भी कभी बोर फील करते हैं तो लूडो हमेशा खेलते हैं, यहाँ पे हो या कहीं पे घूमने जाए, मुझे बहुत पसंद है लूडो खेलना। और रुचि तुम्हें पसंद है कि नहीं? और बार्बी को पसंद है कि नहीं? आज बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं रुचि के साथ। मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड थी लूडो के लिए और मैं ही हार गई। बार्बी और कौन कौन फर्स्ट हुआ? रुचि फर्स्ट एंड बार्बी सेकंड, जो हारने वाली थी वो सेकंड आ गया और मैं पूरा गई। सोनाक्षी प्रियांशी के साथ भी मैं लूडो खेली थी, तभी मैं हारी ही थी। वो प्रियांशी बहुत अच्छा खेलती थी, वो हमेशा फर्स्ट, बार्बी सेकंड और सोनाक्षी थर्ड, ऐसा होता था। मैं तो पूरा ही गेम से आउट हो जाती थी, फोर्थ। तो आज का दिन मेरा बहुत अच्छा जा रहा है अभी तक भी, अभी और एक मैरिज पार्टी में भी जाना है, बट जाने का मन नहीं कर रहा है, पूरा रेस्ट लेने का मन कर रहा है, टीवी देखने का मन कर, बट जाना होगा। अभी मैं रेडी हूँ पार्टी में जाने के लिए, मन तो नहीं कर रहा था जाने के लिए, बट जाना तो होगा ही, सभी फोर्स कर रहे हैं जाने के लिए, मेरे हस्बैंड, बार्बी, तो इसलिए मैं रेडी हो गई।
मैं नॉर्मल ही हुई हूँ, उतना ज्यादा मेकअप नहीं करती हूँ। नहीं नहीं किया है, थोड़ा बहुत किया है, उतना ज्यादा नहीं किया है। तो मैंने जो ग्रीन कलर का साड़ी पहनी है, आज मदर्स डे है और ऐसे भी हम लोग हमेशा ट्विनिंग करते हैं, तो आज भी ट्विनिंग ही है, ग्रीन 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 ग्रीन। तो ग्रीन कलर की का ही पहने हैं दोनों ही। कैसे लग रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। तो अभी जाएंगे पार्टी में, उसके बाद आके रील्स भी बनाना है। अभी हम लोग पार्टी से आके, मैंने जैसे बोला था रील्स बनाऊंगी, तो अभी रील्स बनाऊंगी फिर घर पे जाऊंगी, क्योंकि आप लोग जानते हैं मेरे मेरा जो ये आर्ट क्लास है ये बाउंड्री के अंदर ही है, ग्राउंड फ्लोर में है और हम लोग फर्स्ट फ्लोर में रहते हैं। तो रील्स बनाने के बाद जाऊंगी शादी के घर में, बहुत एंजॉय किया वहाँ पे, मेरे कुछ स्टूडेंट्स से भी मुलाकात हुआ, रितिका मैं दिलिष्टी चौधरी मीन्स मिशमी, उसको मैं दिलिष्टी चौधरी बुलाती हूँ, बहुत ही क्यूट है। तो उसको मैंने आज ही मॉर्निंग में मतलब एग्जाम था तो उससे मिली, तो मैंने बोला तुमसे बहुत दिन बाद मैं मिल रही हूँ, उससे बोला तुम आपने तो मैं मुझे मॉर्निंग में ही मिले थे। बहुत क्यूट है, तो उससे मुलाकात हुई और अच्छे अच्छे से खाना पूरा खा के अब रील्स बना के जाके आराम से सोऊंगी, क्योंकि कल मॉर्निंग में स्कूल है। तो बारहवीं बारहवीं सुनो, बारहवीं मीन्स कनिष्का बारहवीं भी बनाएगी रील्स, बारहवीं भी अभी रील्स बनाएगी, क्योंकि कल के लिए हम लोगों के पास नहीं एडवांस बनाया हुआ नहीं, तो आज बनाना ही पड़ेगा। तो बना के फिर आज का दिन बहुत ही अच्छा गया इस साल का मदर्स डे। थैंक यू सो मच मेरे लिए स्पेशल करने के लिए। और मैंने जो अभी लिपस्टिक अप्लाई किया है वो लिपस्टिक कनिष्का ने ही दिया था, मॉर्निंग में भी लगाया था तो अभी भी लगाई हूँ। थैंक यू सो मच, और आई होप आप लोगों का भी मदर्स डे बहुत अच्छा गया होगा। और जो भी मेरे चैनल पे न्यू है, मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। एंड हम लोगों का प्ले बटन भी ये कल या परसों ही आने वाला है, तो उसका वीडियो भी मैं जो बहुत जल्द अपलोड करने वाली हूँ। थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए, मेरे डॉटर को सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।